तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर इतिहास मॉडल पेपर के बारे में, ठीक है। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये पिछले साल का मॉडल पेपर है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। ये पूरा मॉडल पेपर है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे, बीए फर्स्ट ईयर इतिहास फर्स्ट मॉडल पेपर है ये, ठीक है। किसी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड मॉडल पेपर की, लेकिन ये फर्स्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिन स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, यानी रिटर्न में ही एग्जाम होता है, ओके। इसमें 3 घंटे टाइम दिया गया है और ये 70 का पूर्णांक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में 80 का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में इतिहास के, तो वो देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए, अथवा करके आपको दूसरा भी ऑप्शन मिल जा रहा है यहाँ पे, ये सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, ओके। तो इसमें से चाहे आपको इसके बारे में लिखना है, चाहे इसके बारे में, एक के बारे में लिखना है, चाहे ये लिखिएगा चाहे इसका आंसर, ओके, एक ही लिखिएगा और कम से कम 2-2.5 पेज में ज़रूर लिखिएगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन लॉन्ग ही वाले हैं, ओके। हो सके जितना भी हो सके आप डीप में लिखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये पिछले साल का मॉडल पेपर है, तो आप सही से समझिएगा मॉडल पेपर, ठीक है। क्योंकि मुझे मॉडल पेपर मिल गया तो मैंने सोचा आप तक इन्फॉर्मेशन कर दूँ अब वीडियो के ज़रिए कि हाँ ये मॉडल पेपर मिल चुका है, पिछले साल ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने देख लिया। और हाँ, इनका जो आंसर है, इन सभी का आंसर आपको अपने सीरीज़ में मिलेगा जो आपने क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं तैयारी करने के लिए, उसमें मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं मिलेगा तो आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा। अगर आप इनमें से सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़े ही बहुत क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं मॉडल पेपर में, अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से आंसर निकाल के पढ़ के जाते हैं तो आपको इसमें से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है, दो नंबर क्वेश्चन ये है, पढ़िए आप लोग कि अशोक के धम्म पर लेख लिखिए, अथवा करके ऑप्शन है मगध राज्य के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो अशोक के धर्म पर लेख लिखना है, ठीक है, यहाँ पर ये धर्म होना चाहिए, ठीक है, धर्म पर लेख लिखिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है कि मगध राज्य के उदय कारणों के स्पष्ट, जो भी जिसके बारे में आप 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन है इसके बारे में नॉलेज है तो ये लिखिएगा, इसके बारे में ये, ठीक है, एक ही लिखना है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 3 नंबर है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो गौतमी पुत्र जो सातकर्णी हैं उनकी उपलब्धियाँ, उन्होंने क्या अचीवमेंट किए हैं, ठीक है, क्या प्राप्त किए हैं उपलब्धियाँ, ठीक है, उनका वर्णन करना है, यानी कि जितना भी उन्होंने उपलब्धियाँ किया उनको पॉइंट वाइज लिख के उसके बारे में डीपली लिखना है, बस, ओके। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप उसी सीरीज क्वेश्चन बैग में ढूंढिएगा, मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप चाहे तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बाद में आप ढूंढते रहिएगा, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अथवा करके देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अथवा करके जो दूसरा ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये कि पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, चाहे वो जो अभी ऊपर क्वेश्चन था वो लिखिएगा उसका आंसर, चाहे इसका लिखिएगा जो आपके समझ में आ रहा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर है क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां हैं, ठीक है, जो भी उनके अचीवमेंट है, जैसा मैंने भी बताया ही, उन्होंने क्या प्राप्त किया है, उनके लेखा जोखा को प्रस्तुत कीजिए। जो भी किया उनको आप लोगों को पॉइंट वाइज पॉइंट हेडिंग डाल के लिखना है, उसके बाद उसी के बारे में आपको थोड़ा कुछ वर्ड बना के या आपको आ रहे हैं तो वो लिखिएगा, कम से कम आंसर लिखिएगा 2.5 से 3 पेज में, ठीक है, 2-2.5 पेज में तो 100% लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ इस बंदे को, इस स्टूडेंट को इसके बारे में अच्छी नॉलेज है, उसने लिखा है, भले ही आप बीच में कुछ बना के लिख दें, लेकिन जो कुछ लाइनें पहली लाइनें रहेंगे उनको आपको सही से लिखना है और जो लास्ट की लाइनें हैं उनको। अथवा करके दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को चाहिए करिएगा गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास, ठीक है, गुप्त वंश का जो प्रारंभ इतिहास था उस पर आप लोगों को, उसके क्या स्रोत थे मेन, ठीक है, उस पर आप लोगों को
प्रकाश डालना है। प्रकाश डालने का मतलब उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना है। ओके, तो इनमें से एक ही करना है जो आपको समझ में आ रहा होगा। ये नोट डाउन जरूर करिएगा क्वेश्चन, और सर्च करिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में। अगला क्वेश्चन ये है, 5 नंबर कि राजपूत राज्यों के पतन के उत्तरदायी तत्वों पर लेख लिखिए। तो राजपूत राज्यों के पतन के उत्तरदायी तत्व जो भी हैं उनका लेख लिखना है। ठीक है, तो उनके जो मेन उत्तरदायी तत्व थे उन्हीं पे लेख लिखना है, अथवा करके दूसरा ऑप्शन आपको भी मिल जाएगा, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो चोल वंश, चोल प्रशासन था, ठीक है, उसकी मुख्य यानी कि मेन फीचर्स, विशेषताएं क्या विशेष था, उनको आपको हेडिंग डाल के लिखना है। ठीक है, उसका आंसर, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन बैंक आपकी सीरीज में मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इतिहास फर्स्ट पेपर के हैं, तो समझ में आने चाहिए आपको। तो लगभग इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं, 5 से किसी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें 5-6 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनका आंसर आप लोगों को डीप में लिखना होता है। तो आपके जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 7-8 ही क्वेश्चन मिलेंगे, अगर इसी प्रकार का मॉडल पेपर रहा तब। तो इस मॉडल पेपर में तो सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, आपने 5 पढ़ लिए हैं। अगर ये आप 5-5 तैयार करके जाते तो इसमें 1-2 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, ठीक है, और अदरवाइज आप अपने माइंड से तैयारी करिएगा क्वेश्चन बैंक के साथ, ठीक है। और मैं डेली मॉडल पेपर प्रोवाइड करता हूँ, जिन स्टूडेंट का भी कोई भी मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये मॉडल पेपर देख ही पा रहे होंगे, पिछले साल का है, मुझे ये मिला, मैंने सर्च किया, मैंने प्राप्त किया, तो मैंने सोचा आप तक ये प्रोवाइड कर दूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी द्वारा इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में कुछ पूछना है तो बेशक कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो के डिस्कशन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पर भी मॉडल पेपर शेयर कर देता हूँ। और हाँ, वीडियो के डिस्कशन मेरी वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है sandeepinfo.com, उस पर क्लिक करिए, वहाँ पर भी आपको BSc कैंडिडेट फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बहुत सारे कबीरदास, तुलसीदास जी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आप वहाँ से भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।